सर। आप बोलिए प्लीज। इनके बाद तीन यहाँ से ले लेंगे, चर्चा में फिर एक यहाँ से ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे भाग लेने। अरे यहाँ से शुरू करना था, शिवपाल जी खड़े हो गए तो मैं उनका सम्मान करता हूँ, आप पता नहीं आपके बारे में नहीं मालूम। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इधर से आएंगे पहले आप। बजट के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आकार वाले बजट पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 7.36 लाख करोड़ का बजट बहुत बड़ा है। सिर्फ बड़ा होना बड़ी अच्छी बात नहीं है, बजट को लाभकारी, समावेशी और प्रभावशाली होना चाहिए। आज यदि हमारे महान संत कवि कबीरदास जी होते तो इस बजट की तुलना पिछले बजट के परिणामों से करते हुए कहते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे। मान्यवर, बेकार बेमतलब है यह बजट हजूर, कर्ज बढ़ाएगा, प्रदेश डुबाएगा, छीन गरीबों का नूर। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट रखते समय एक शेर पढ़ा था, हौसले दिल में मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं, यही तो पढ़ा था। कोई भी चिराग या दीपक घी व तेल से जलता है। किसान विरोधी नीतियों के कारण घी उत्पादक वर्ग अपना पेट नहीं पाल पा रहा है, तेल पर एक पूंजीपत का कब्जा हो गया है, घी व तेल दोनों गरीबों की पहुंच से दूर जा रहे हैं। गरीब का दीपक अंधेरे में नहीं जल पा रहा है, वित्त मंत्री जी आंधी में चिराग जला रहे हैं। जनता भी एक शेर पढ़ रही है, कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, कैसी मसाले लेके चले अंधेरे में आप, जो रोशनी थी भी वो भी सलामत नहीं रही। हिम्मत से कहो, सच तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। महोदय, प्रदेश के इतिहास का यह तब तक का सबसे बड़ा यह बजट छलावा है, आंकड़ों और अफसरों की बाजीगरी है। महोदय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, अच्छी बात, लेकिन राम मंदिर तो पड़ाव है, लक्ष्य राम राज की स्थापना होना चाहिए। काश आप पूरे प्रदेश को अयोध्या बनाने और पूरे प्रदेश में राम राज लेने का ख्वाब देखने वाला बजट प्रस्तुत करते। महोदय, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज के बारे में लिखा है, देह के देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। मानस में तुलसीदास राम राज के बारे में लिखा है, राम राज में किसी को भी दैहिक यानी शारीरिक कष्ट नहीं था, दैविक आपदा भी नहीं कहीं पर आती थी, भौतिक यानी आर्थिक मानसिक कष्ट नहीं होता था। तुलसीदास ने लिखा है, अल्प मृत नहीं कभू पीरा, सब सुंदर सब ब्रज शरीरा। आज अस्पतालों में रोज लाशें निकल रही हैं, NCERB की अनुसार सबसे अधिक अल्प मृत उत्तर प्रदेश से दर्ज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, असली रामलाल लाने में यह सरकार पूर्णतः विफल है। महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वोई दिया रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन को मैं सुन रहा था, उनका भाषण सिर्फ दो विषयों पर केंद्रित था, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार कोट किया,
इसलिए बोलना अनिवार्य है। पहला अयोध्या जिसके चौमुखी विकास की गाथा उन्होंने सुनाई और ये भी कहा सपा के लोगों ने अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अयोध्या में हुए हमारे समाज के काम, समाजवादी पार्टी के समाज के काम, भजन स्थल के निर्माण का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, अयोध्या में सीवर निर्माण का कार्य अयोध्या में हुआ, अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का कार्य अयोध्या में हुआ, पर्यटकों के लिए सुविधा हेतु आधुनिक शौचालय का निर्माण सभा समाजवादी पार्टी में हुआ, राजघाट तुलसी उद्यान को सुंदरीकृत किया गया, 14 कोसी पंच कोसी परिक्रमा मार्ग पथ का कार्य और उस पर परिक्रमा पथ के किनारे किनारे पारिजात के छायादार वृक्षों को लगाया गया, राम की पैड़ी अविरल जल बहाव तथा सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था, उस पर आज राम घाट जो था उस पर आत्मर्थ के लिए पानी इतना गंदा था उसको अविरल धारा से बहाया, एक तरफ सरयू से पानी दूसरी तरफ सरयू में मिलाने का काम किया। सत्संग भवन बसेरा आज का निर्माण कराया गया, बाईपास से लेकर महोबरा तक मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराया गया, टेढ़ी बाजार से असरफी भवन के आगे तक सड़क का नवीनीकरण, घाटों पर चेंज रूम का निर्माण कराया गया। महोदय बस हमने उसका प्रचार इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से जब भी मैनेजमेंट मीडिया और ये सब नहीं किया था उसकी वजह से जो धन बचा था तो उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए किया गया, उत्तर प्रदेश का विकास किया गया।